चौमुआ में भाजपा प्रत्याशी बिहारी लाल की आवास पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग मौजूद रहे। नव मतदाताओं को सभी जगह वोट डालने के फायदे गिनाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर चेयरमैन अन्य पार्टी से बनता है तो वह विकास कार्य कहां से कराएगा। डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन भी भाजपा का लगाओ, विकास ही विकास होगा। नव मतदाताओं को रिझाने के लिए पूर्व मंत्री ने भाजपा की उपलब्धियों को लोगों के बीच गिनाया। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी बिहारी लाल के समर्थन में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। पूर्व मंत्री ने खुद बाइक रैली में जाकर बिहारी लाल के समर्थन में वोट मांगे। बाइक रैली बिहारी लाल के घर से शुरू होकर ब्लॉक, मैन बाजार, महाराणा प्रताप चौक, दाऊद थोक, मारूफ, होली चौराहा, थमू थोक, मनी थोक, गोपाल जी मंदिर, सड़क पार, नई कॉलोनी से होती हुई बिहारी लाल के घर पर खत्म हुई। बिहारी लाल ने कहा कि जनता उन पर एक बार भरोसा दिखाए, वह क्षेत्र में ऐसे विकास कार्य कराएंगे कि चौमुआ की एक अलग ही पहचान बनेगी। निकाय चुनावों की श्रृंखला में प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में नवमतदाता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। जो युवक हैं, जो नए मतदाता हैं, वह अपने वोट का प्रथम बार उपयोग करेंगे। उनको कैसे रीति नीति से अवगत कराया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने क्या किया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है, और युवाओं के लिए क्या करने की कल्पना सरकार की है, और युवाओं के माध्यम से जो कि देश का भी भविष्य है, क्षेत्र का भी भविष्य है, समाज का भी भविष्य है, अपने परिवार का भी भविष्य है, उनका उज्जवल भविष्य कैसे हो, उसके लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई है और जो योजना बनाने के लिए सरकार तत्पर है। सरकार का कहना है कि यह सरकार किसानों के लिए समर्पित है, यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, यह सरकार युवाओं के लिए समर्पित है और यह सरकार महिलाओं के लिए समर्पित है। इस दृष्टि से नव मतदाता जो हैं वो देश के विकास में सहभागी बने, क्षेत्र के विकास में सहभागी बने, प्रदेश के विकास में सहभागी बने। इसलिए आवश्यक है कि जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार प्रदेश और देश में है, यह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर पंचायत में बिहारी लाल ठाकुर बिहारी लाल और उनके पार्षदों को जिताकर क्षेत्र की जनता चुने, ये नवमतदाता सभी चुने, जिससे कि क्षेत्र का भी भविष्य उज्जवल हो, इन नवमतदाताओं का भी भविष्य उज्जवल हो और केंद्र और प्रदेश मजबूत होकर अब जो विकास की गति बनाई गई है, जो सर्वांगीण विकास चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहा है, वो विकास की गति रोके नहीं। वह गरीबों की जो मदद हो रही है, लोगों के लिए निजी आवास कैसे बने ये किसी ने नहीं सोचा, हर घर में बिजली कैसे पहुंचे ये किसी ने नहीं सोचा, हर घर में नल से जल कैसे पहुंचे ये किसी ने नहीं सोचा, हर खेत में पानी कैसे पहुंचे ये किसी ने नहीं सोचा, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख तक की बीमा का दिया जाए ये किसी ने नहीं सोचा, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले ये किसी ने नहीं सोचा।